मजहब की शादी है तब्रेज, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी वाइफ को अपनाए। आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा। मैं बाकी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तस्वीरों में, ना इस शादी में। अरे होश में तो हो तुम अपने? मॉम मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत रोका अपने आप को, मगर मेरे से ये नहीं होगा। क्या कह रही है? आखिर हो क्या रहा है? मुझे कोई समझाए तो सही। आंटी मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ और मॉम को ये बात अच्छी तरह पता है। नहीं मिसेज अहमद, ऐसी कोई बात नहीं। आंटी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो सब जानती थी ना, उसके बावजूद आपने मेरे साथ ये होने दिया। और फरी अगर तुम्हें पहले से पता था कि वो किसी और को चाहता है तो क्या जरूरत थी तुम्हें रीम से रिश्ता तय करने की? नहीं आपको गलत फहमी हुई है मिसेज अहमद, मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मॉम चले यहाँ से, अब मैं एक पल यहाँ रुकना नहीं चाहती। प्लीज क्या हो गया, तस्वीरें खिंचाओ। अच्छा इंतजाम किया है। अरे फरी मिसेज मलिक से मुलाकात हुई? नहीं मेरी अभी मुलाकात तो नहीं हुई। ये बताइए कि मौलवी साहब अभी तक नहीं आए? मेरी अभी 5 मिनट पहले बात हुई, बस आते ही होंगे। तो आप किसी और मौलवी को बुलवा लेती? दरअसल कई सालों से हमारी फैमिली में यही मौलवी साहब आ रहे हैं, बस वो क्या है कि दिल को तसल्ली सी हो जाती है। चलिए इंतज़ार करते हैं, बहुत देर हो चुकी थी इसलिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जहाँ हर चीज़ अच्छी तरीके से हुई इंशाल्लाह निकाह भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम कैसी हो? मैं ठीक। सही हो रहा है सब कुछ? ठीक ठाक। ठीक है जय, मैं आती हूँ। हाँ ओके। ये तुम क्या आधी रात को ये रूहों की तरह भटक रही हो, कहाँ थी? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। एक बात बताऊं तुम्हें? मुझे मॉडलिंग की ऑफर आई है। मॉडलिंग की ऑफर? कैसे? मेरी खूबसूरती से मुतासिर होके। क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और तुम्हें मैं क्यों बता रही हूँ तुम कौन सा मेरी खुशी में खुश होने वाली हो? जलती हो मुझसे? क्यों जलूंगी यार तुमसे? अब ये तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम मुझसे क्यों जलने लगी। और वैसे भी मुझे अभी तुमसे कोई बहस नहीं करनी, मसरूफ हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबरेज फरासत, आपका निकाह रमशा फारूक के साथ हक मेहर 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, कि आपने कबूल किया? बेटा आपने कबूल किया? जी कबूल है। जी रमशा फारूक? रमशा फारूक नहीं। ये क्या हो रहा है मिस्टर ज़ैमन? कौन है ये लड़का? एक मिनट, पहले मुझे अपना तारुफ तो कराने दीजिए। बल्कि मैं अपने मुंह से तारुफ कराता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, रीम अगर तारुफ कराएगी तो बड़ा मजा आएगा। क्यों रीम? आंटी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आ गया, क्या चाहता है मुझसे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता था तुम उसी तरह की कोई फिजूल बात करोगे, इसीलिए मैं ये सबूत अपने साथ लाए। कौन है तुम? अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। गार्ड इधर आओ, निकालो उसको बाहर। आंटी एक मिनट, मुझे बात तो करने दे। अरे क्या जरूरत है ऐसे फजूल लोगों की बात करने की, और तुम निकलो यहाँ से। अभी तो मैंने तुम्हारी अकड़ भी नहीं निकाली, कैसे जा सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है मिस्टर अहमद, मुझे कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, बल्कि बताना क्या है, आप सब खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। अरे क्या नॉनसेंस है, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ? शट अप। तुम्हें शर्म तो नहीं आती है ना? मेरे साथ निकाह में होने के बावजूद तुम यहाँ किसी और से शादी कर रही हो? निकाह में क्या मतलब है? अब झूठ बोल रही है, हम नहीं जानते, यकीन मानिए, क्या चाहते हो तुम आखिर? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये निकाह के पेपर्स क्या कह रहे हैं? जरा ये पेपर्स पढ़ के बताओ कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? ये कैसी बेचैनी है?
ज़ाला, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे आपको क्या जरूरत है पेपर देखने की, कुछ नहीं है इसमें, पता नहीं कौन है कहाँ से आ गया। चुप कर जाओ। मॉम, ये सच कह रहे हो? इतना बड़ा धोखा मिसेज अहमद आप लोगों ने हमारे साथ किया है। लेट मी एक्सप्लेन, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना मिसेज अहमद, चलो तब्रेज यहाँ से। तब्रेज मेरी बात सुनो, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज मुझे एक मौका तो दो, मुझसे बात तो करो। हाँ वेरी गुड, और सबको जरा ये भी बता देना कि हम दोनों का एक बच्चा भी है। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम क्या करने आए हो? क्या समझती हो तुम? मेरी शादी, मेरी हर चीज पापा को तुमने छोड़ दिया। तब्रेज मेरी बात सुनो, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, तुम जानते रहे मुझे। पता भी है या क्या क्या हो गया है? देखो मारिया, अभी मेरी कोई फजूल बकवास सुनने का ना बिल्कुल मूड नहीं है। क्या बोलना है बोलो। अरे मेरे पास एक गुड न्यूज है। कौन सी? तब्रेज का और रीम का निकाह कैंसिल हो गया है। क्या, लेकिन कैसे? मुझे लगता है कुदरत भी इसी फैसले में थी कि इन दोनों का निकाह ना हो, कोई मैच ही नहीं था। एक तो तुमसे जो पूछा है ना उसका जवाब कभी मत देना, हमेशा बकवास करती रहना। बताओ ना कैसे हुआ। हाय बड़ी उतावली हो रही हो पूछने के लिए। अच्छा अगर नहीं बताए ना मैं फोन बंद कर। अच्छा ओके ओके सुनो फिर। वैसे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी फ्रॉड लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। अच्छा तुम तो कल तक तब्रेज की बड़ी हिमायतें करती थी, और आज? भाई वो भूलती, अब जो अच्छा हो रहा है वो हो जाए। वाह यार तुम तो बड़ी चालाक निकली। अच्छा अच्छा बस मुझ पे तंज करना छोड़ो और जाके शुक्राने की नफिल अदा करो, तुम्हारा काम इतना आसान हो गया है। अच्छा फजूल की बात भी नहीं करूँ, मैं तुमसे कल कॉलेज में मिलूंगी, ठीक है? अल्लाह अहमद का फोन पे फोन आए जा रहे हैं। अब अपनी सफाइयां पेश करने के लिए कर रही होंगी वो कॉल। तब मैं तो हैरान हूँ, ये माँ बेटी कैसी फ्रॉड निकली है, सोच भी नहीं सकती थी मैं। मॉम मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये दोनों माँ बेटी बहुत अजीब से लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। तो आप उनके घर चली जाए, कुछ करे। मॉम कैसी बातें कर रही हो तुम, अभी वो दोनों इतने बड़े सदमे से गुजरे, वो लोग हमें अपने घर में घुसने भी नहीं देंगे। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये शादी हर कीमत पर करनी है। इसी दिन का मुझे डर था, मना कर रही थी ना कि असद के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम पर तो इश्क भूत सवार था। और अगर आज वो लड़का ना आता तो हमें तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल सकता था। तुमने वैसे कागजात ठीक से देखे थे? हाँ हाँ वो रीम का नाम लिखा हुआ था ऊपर। माय गॉड, और ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो ना, इस खुशफहमी में नहीं रहना, जो तुम करना चाहते हो वो कभी नहीं होने दूंगी। अरे मॉम मैं तो बस ऐसे ही। अब चलो यहाँ से निकलो। तो हो गई ना गलती, अब क्या करूं? इतनी गलती कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी? सजा तो मुझे मिली है, मैं क्या लोगों को मुंह दिखाऊंगी, तुम्हारे डैडी को क्या कहूंगी? ओह माय गॉड, हाउ एम आई गोइंग टू फेस एवरीवन। ये तब्रेज भी मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तब्रेज के पास, उसे बात करने। रीम जस्ट रिलैक्स, सुबह जाकर बात कर लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं
मुझे अभी और इसी वक्त उससे बात करनी होगी। रीम, रीम मेरे पास, रीम, रीम। उफ मेरे खुदाया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये सुंदर कैसे कर सकती है इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। अरे ये लड़की मुझे कॉल कैसे कर रही है? शर्म करेंगे। थैंक गॉड, आपने एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। आई एम सो हैप्पी। मेरे साथ निकाह में होने के बावजूद तुम यहाँ किसी और से शादी कर रही हो? तो प्लीज मेरी बात सुनो, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। प्लीज मुझे एक मौका तो दो, मुझसे बात तो करो। और सबको जरा ये भी बता देना कि हम दोनों का एक बच्चा भी है। उजाला को कॉल करूँ क्या? क्या रिएक्शन होगा इसका? अस्सलामुअलैकुम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? जी मैं स्टडी कर रही थी। वो तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। जो गुड न्यूज़ आपको शेयर करनी है वो मारिया पहले ही ब्रेक कर चुकी है। और सॉरी टू से, ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है तब्रेस, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अरे तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है? एक लड़की की बर्बादी का अफसोस एक लड़की ही कर सकती। अरे कम ऑन उजाला, तुम उस लड़की की नेचर को बिल्कुल नहीं जानती थी, तुम सब ये बातें इसलिए कह रही हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे मैंने तुमसे ही तुम्हारी राय जानने के लिए फोन नहीं किया। फिर किस लिए फोन किया आपने? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया कि जीत हमेशा सच्चे जज्बों की होती है। मेरा जज्बा सच्चा था सो मैं जीत गया। किसी की हार आपकी जीत नहीं हो सकती। नहीं अभी तो इश्क की बाजी शुरू हुई है, तुम्हें जीतना अभी भी बाकी है। तब्रेज मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे हासिल करने के लिए आप इतना बेताब हो रहे हैं। मैं तो बस अपनी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ। मेरा कल पेपर है, मुझे तैयारी करनी है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सी यू, बाय। हेलो हेलो, बैठो मेरे साथ। जला छोड़ो अम्मा। मैं कहता हूँ बैठो मेरे साथ वरना सबके सामने तुम्हें मारूंगा। बैठ रही हूँ, बैठ। अब आप यहाँ क्या करने आई हैं मिसेज अहमद? मैंने आपको बहुत कॉल्स की लेकिन आपने एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ खुद आ गई। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बीच में कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात की जा सके। फरी प्लीज, कल रात रीम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये भी तुम लोगों का कोई नया ड्रामा होगा। मैं सच कह रही हूं, कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उस बात पर बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम्हारा क्या ख्याल है, सॉरी कर लेने से सब बात ठीक हो जाएगी? मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखना चाहती हूँ। कितनी सेल्फिश हो तुम, अभी भी तुम्हें रीम की फिक्र है। और जो तुमने धोखा दिया उसका क्या? रीम पहले से शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। ओह माय गॉड,
देखो फरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीम ना समझती, जो कुछ हुआ नादानी में हुआ, बस तुम अपना मुंह ठीक कर लो और रीम को देके हॉस्पिटल चलो। और मैंने भी तो तुमसे सॉरी बोला है। बस मिसेज अहमद, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, चली जाओ यहां से। तो तुम रिकंसाइल नहीं करोगी? नहीं, इस बात को तुम खत्म ही समझो। मेरा पैसा वापस करो। आई वॉन्ट माई मनी बैक। जिसकी अपनी शादी नाकाम है वो किसी और की शादी पे इतना खुशी खुशी जा रही है। जब इसका अपना बाप ही ताने देगा तो दुनिया का क्या कसूर? अरे थोड़ा बाहर जाएगी तो इसका जहन बदल जाएगा। देख लो मंजूरा बेगम, कहीं तुम्हारी औलाद की वजह से मुझे ही घर ना बदलना पड़ जाए।